मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बिहार के औरंगाबाद में एक साथ 6 सहेलियों के जहर खाने और उनमें से 3 सहेलियों की मौत के बाद हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये चौंकाने वाला मामला कामा थाना इलाके के चिरौली गांव का है। बताया जा रहा है कि प्यार में असफल एक किशोरी के जहर खाने के बाद 5 और सहेलियों ने जहर खा लिया। इनमें से 3 की मौत हो गई है। इनमें प्यार और फिर इनकार की बात सामने आ रही है, लेकिन 6 किशोरियों ने एक साथ जहर क्यों खाया ये जांच का विषय है। 6 किशोरियों के जहर खाने की घटना से पुलिस के लिए भी एक पहेली बन गई है। सभी 6 सहेलियां नाबालिग बताई जा रही हैं। 3 सहेलियों का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। मृतकों में 2 लड़कियों की उम्र 14 साल है, जबकि 1 की उम्र 15 साल बताई जा रही है। मृतक लड़कियों में 2 सगी बहन है। वहीं 3 लड़कियों की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। आप आए तो क्या मालूम चला? हम आए तो पता चला कि छौ के छौ खा लिया। क्या खा लिया? भोजन खा लिया। का खा लिया? कहला। अब का पता कहला खाया? यहाँ को पता ना है कि कहला खाया। मौत कितने की हुई है? मौत 3 के हुई है। अच्छा, 3 लोग और? 3 लोग और हॉस्पिटल में है। प्रसंग का मामला था, किसी लड़का से लोग बातचीत किया था और उसके बाद ये घटना ये लोगों ने सामूहिक रूप से अपना किया है। किसी में इसका हम लोगों की तरफ से तहकीकात चल रहा है और विशेष जो हमारी दायित्व जो बनता था उस दायित्व के तहत हमने जो 3 बच्चियाँ बची थी उसको हम लोगों ने मगध मेडिकल में इलाजरत के लिए भेजा अपने पति के द्वारा। और इसके बाद जो डेड बॉडी है उसको लेकर हम लोग आए हैं अभी। कितने की मौत हुआ है अभी तक? तो पुष्टि 3 की हुई है। तहकीकात में क्या कुछ पता चल पाया है? अभी वैसा आया नहीं, लेकिन प्रेम प्रसंग का कुछ मामला चल रहा था, स्वजातीय से ही कुछ बात चली थी। अब उसको हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं। लड़का कहाँ के था? लड़का कहाँ के था? लड़का सुनने में आ रहा है जैसा कि कुछ गुरारू तरफ का लड़का है, जिससे कुछ बातचीत ही लोगों की हुई थी। अब क्या हुआ, हॉटटॉक हुआ था क्या? इस चौंकाने वाले मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और सूचना पाकर मौके पर पहुंची रफीगंज CO और थाना अध्यक्ष मामले की जानकारी लेकर फिर से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया कि अभी यह खुलकर सामने नहीं आ गया है कि आखिर क्या कारण रहा कि सभी जहरीली पदार्थ इन लड़कियों ने खा लिया है। परिजन भी इस मामले में अभी साफ तौर पर कुछ नहीं बता पा रहे हैं। अगले बग ने कहा है, जी जी, है ना, ये जांच का विषय है। और 6 जो है सहेली थी और 6 वो ग्रुप बना कर अपना गए और कहाँ थी। अब दवा कहाँ से लाया नहीं लाया ये स्पष्ट नहीं। कितनी मौतें हुई? मौत अभी 3 है। 2 का स्थिति क्या है सर? 2 का स्थिति ठीक है, 1 का इलाज चल रहा है। वहीं SP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 6 में से 1 लड़की अपने भाई के साले से मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके इनकार करने की वजह से ये कदम उठाया गया है। सभी लड़कियां एक ही जात की बताई जा रही हैं। पुलिस टीम गांव में कैंप कर रही है, साथ ही तहकीकात में जुटी हुई है कि आखिर पूरे मामले में सिर्फ प्यार का ही एंगल है या फिर और कुछ वजह है, ये पुलिस जाँच में ही सामने आएगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।